मल्हारी आए थे, मगर ये थोड़ा ओपन है रेस्टोरेंट एंड थोड़ा वो लोग चेक करने गए हैं। सो हमारा प्लान था मल्हारी रेस्टोरेंट का, क्योंकि ये न्यू ओपन हुआ है, मगर सिचुएशन थोड़ा सा है। मम्मी बारिश में पैदा हुई थी, इसीलिए हमें बारिश झेलना पड़ रहा। तो अभी देखते हैं क्या सीन है, अगर ठीक है बैठने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ओपन है, तो Let's decide. So after observing everything, भैया and प्रांशु came and उन्होंने कहा कि rainfall में भी seating arrangement किया गया अच्छी तरीके से। So हमने decide किया कि क्यों ना हम यहीं जाए, क्योंकि हमने decide किया था मल्हारी restaurant का, क्योंकि ये newly opened है। And मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं reviews देख रही थी, तो मैंने YouTube पर नितीशन कुजीन का भी देखा एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू दिया इस रेस्टोरेंट के बारे में। एंड जैसा उन्होंने बताया, ये सच में बिल्कुल खूबसूरत है एंड खाना भी बहुत अच्छा था। सर्व भी हमें बहुत टाइमली किया गया एंड बर्थडे केक कट करने के लिए भी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया गया, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। सो बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू नितीशन कुजीन ब्लॉग, आपके थ्रू हमें बहुत कुछ पता चला एंड बहुत मज़ा है यहाँ पे। सो आप भी देखिए कैसा है। एंड चिकन पटियाला एंड नान, क्योंकि अभी सबको बहुत भूख लगी। लगा दिया लेमन ग्रास एंड इधर वॉशरूम है, और यहाँ बहुत अच्छा सीटिंग स्पेस दिया गया है, बहुत खूबसूरत है। और ये छोटा छोटा पॉन्ड्स, पॉन्ड तो नहीं है सारी, बट जिसमें एक कीड़ा सुसाइड कर गया। सो दिस इज़ द प्लेस एंड आज बहुत बारिश हो रही थी, हमें लग रहा था कि हमें स्विच करना होगा प्लान, बट देन अभी थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स किया गया है मतलब बरसात के लिए, सो इट्स गुड। अभी खाना टेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कैसा है। सो दिस इज द वॉशरूम एंड कंडीशन भी अच्छा है, वॉशरूम का साफ सुथरा। ये सारा खाना इसी ने खाया है। तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, क्योंकि तुम मेरा दिल, ये सारा खाना। और इन दोनों का पेट गुड़गुड़ है। और यहाँ बर्थडे गर्ल एंड उधर सोडा पीते हुए। मम्मी कैसा था खाना? बहुत अच्छा। आके तुम लोग ले आई है। वाह, दैट वाज माय आइडिया, क्रेडिट गोज टू मी। यो, अभी मौसम भी क्लियर है, बारिश नहीं हो रही है। ये देखिए, आज सुंदर सा रेनबो भी हमें दिखने को मिल गया एंड फोटो सेशन चल रहा है।
ये देखो कितना सारा। अभी थोड़ा सा फिर से शावर हो रहा है बट आई जस्ट लव दिस प्लेस ऑनेस्टली। आप भी आइए और विजिट करिए। शाम हो गया और हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट्स कर लिए और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं एक्चुअली। और फिर अभी हम लोग केक कटिंग के लिए जाएंगे एंड लाइटिंग से काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हम लोग केक कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। बर्थडे का सारा सामान अच्छा चल रहा है एंड दैट्स माई फ्यूचर। This is the cake jo maine banaya hai। And kaisa laga cake mummy? bahut acha। Aur ye mamma ka favorite flavor hai blueberry। नहीं तो वो प्लेट में खा लेते ना। सो अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से एंड काफ़ी अच्छा था सब कुछ। सर्विस भी बहुत अच्छा था। भैया जो सर्व कर रहे थे वो काफ़ी हम्बल थे, मतलब सब कुछ कर दे रहे थे टाइमली एंड खाना भी हमें टाइमली मिल गया। एंड अब 7 बज रहे हैं सो हम निकल रहे। काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो एंड डू विज़िट दिस प्लेस, बहुत खूबसूरत है। और लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय, टेक केयर। सो ये है आपका बाहर का व्यू। हाँ, एंड ये आपका काके से राइट लेना है एंड उस रिंग रोड में। एंड मम्मी फोटो खिंचाने के लिए रेडी है।